एक्चुअली सर हमारे चैनल में मतलब कोई हैक कर लिया है, तो प्लीज आप हमारी हेल्प करिए और हमारे चैनल को प्लीज आप जल्दी से हमें वापस दिलवा दीजिए। हमने उस चैनल के लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत की है, हमारी टीम ने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यू इंडस्ट्री मिनट में। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह एक यूट्यूब क्रिएटर हैं या फिर आप एक ब्लॉगर हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर या फिर ब्लॉग चैनल पर आप कुछ ना कुछ वीडियोस डालते रहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों अक्सर होता क्या है, जैसे कि हम यूट्यूब पर काम करते हैं और हमारे मान लो 1,000, 10,000, 50,000 या 1,00,000 प्लस जो है सब्सक्राइबर होते हैं, तो ऐसे में हमें जो है कुछ ना कुछ ऑफर वगैरह आने लगते हैं कि आप हमारे चैनल को प्रमोट कर दो या आप हमारा कुछ ऐसी चीज़ का प्रमोशन कर दो जिससे हम आपको कुछ पैसे देंगे। तो ऐसे में जो है बहुत सारे हैकर क्या करते हैं, आपके मेल पर या फिर अगर आपने कुछ अबाउट में वहाँ पर मोबाइल नंबर दिया होता है, उस पर कुछ ना कुछ जो है लिंक वगैरह आने लगते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे बंदे जो अनजान होते हैं, जिनको इसके बारे में नहीं पता होता है, तो वो क्या करते हैं, उस लिंक पर क्लिक करते हैं, तो ऐसे में वो लिंक जो है आपके मोबाइल में या फिर पीसी में जो है ओपन होगा। तो ऐसे में वो जो लिंक होगा वो एक नई साइट पर जाएगा। तो ऐसे में होता क्या है, जो भी आपके मोबाइल में या फिर आपके पीसी में कुछ डाटा जो होता है, जो भी आपने लॉगिन वगैरह किया होगा, वो सारा डाटा हैकर के पास चला जाता है। तो ऐसे में होता क्या है, मान लो आप दिन भर काम करते रहते हैं, तो ऐसे में आपका मोबाइल तब तक एक्सेस रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने मान लो अपना रात के 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे मोबाइल बंद किया, और उसके बाद जो है हैकर क्या काम करता है, आपका जो डाटा होता है वो जो उसके पास चला जाता है, वो आपकी मेल आईडी को रिकवर करके उसके अंदर जो है कुछ फेर बदलाव करके वो जो है उसके अंदर आपका चैनल कुछ इस तरीके से हैक कर लेता है कि ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपका चैनल हैक हो गया है। तो ऐसे में जब आप सुबह अपने मोबाइल को या पीसी को चलाएंगे, तो ऐसे में सुबह आप देखेंगे कि आपका जो मेल आईडी है, चैनल है, वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे जो आपकी मेल आईडी होती है वो बिल्कुल भी एक्सेस नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में आप बिल्कुल सब कुछ ट्राई कर लेंगे, लेकिन तब भी जो है आपकी मेल आईडी एक्सेस नहीं होगी। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं, आप यूट्यूब पर जाते हैं और यूट्यूब पर सबसे पहले आप अपने चैनल को जो है चेक करते हैं। तो ऐसे में आप देखते हैं कि आपका चैनल जो है यूट्यूब पर अवेलेबल तो है, और वहाँ पर आप देखेंगे हैकर ने उसके अंदर कुछ बदलाव कर दिया है। वहाँ पर आपका जो लोगो वगैरह होता है वो भी चेंज हो जाता है, बैनर भी चेंज हो जाता है, और वहाँ पर एक दो वीडियो जो है वो अपलोड भी कर देते हैं, उसमें शायद हो सकता है वो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी चला सकता है। तो वो ऐसे कुछ वीडियो अपलोड कर देते हैं जो YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होते हैं। तो ऐसे में आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे YouTube क्रिएटर होते हैं जिनका चैनल हैक हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये सावधानी रखें, जब भी आपके पास कोई भी अनजान मेल वगैरह आता है, कोई लिंक आता है, तो उस पर आप क्लिक मत करना। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे जो है कुछ बंदों ने कॉन्टैक्ट किया था कि हमारा जो चैनल है वो हैक हो गया है। तो ऐसे में देखिए दोस्तों, अगर आपका चैनल हैक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आपको पेशेंस रखना चाहिए कि अगर आपका चैनल हैक हो जाता है तो इसमें कोई डरने वाली बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में होता क्या है, चैनल हैक होना कोई मान लो बड़ी बात नहीं है, चैनल किसी का भी हैक हो सकता है, किसी से भी गलती हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि जो उल्फतुल अंसारी जी हैं, उनका भी एक बार चैनल हैक हो चुका था, और जय भाई गुरु जी हैं, उनका भी चैनल हैक हो चुका था, और जो वंडर मैकेनिक अजय कुमार भाई जी हैं, उनका भी चैनल हैक हो चुका था। तो इन सब बंदों ने जो है किसी न किसी की हेल्प ली थी। तो ऐसे में देखिए, यहाँ पर अगर जिन बंदों को इसके बारे में पता नहीं होता, तो मान लो मैं भी हूँ, तो ऐसे में किसी की हेल्प लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में देखिए, जिन भाइयों का ये चैनल हैक हुआ था, तो उन भाइयों ने जो है मुझे स्पेशल यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया था, और उनका कॉन्टैक्ट मुझे पहले भी था, तो कुछ बंदों ने यहाँ पर जवाब दे दिया था कि हम जो है हैकिंग का ये काम नहीं करते, कि हम जो है अगर किसी का चैनल हैक हो जाता है उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर उन भाइयों ने जो है मुझे कॉन्टैक्ट किया कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन भाइयों ने बोला कि हमारा जो है चैनल हैक हो गया है। तो चलिए, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं इस पर कोशिश करूँगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपका चैनल रिकवर जरूर करूँगा। तो मैं आपको देखिए उनसे बात कराऊँगा। यहाँ पर उन्होंने मुझे जो है एक स्पेशल व्हाट्सएप पे जो है एक अपना वीडियो बनाकर भेजा था, मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर जो है जो भी हुआ वो आपको बताएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या हुआ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको जो है इन भाइयों की ये जो घटना घटी है मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। एक्चुअली सर हमारे चैनल में मतलब कोई हैक कर लिया है, तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ आप जल्दी से हमें वापस दिलवा दीजिए। उस चैनल के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हमारी टीम ने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और हमारे प्रेम जी हैं, प्रेम जी आइए, ये प्रेम जी हैं। नमस्ते सर जी, हमारा चैनल सर कोई हैक कर लिया है, बस आपसे ही हम हेल्प चाहते हैं कि हमारा चैनल किसी तरह से वापस आ जाए सर। हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर कम से कम 3-4 साल से मेहनत करके साल भर पहले जाके हम लोग जो है कि उस पर कामयाबी पाए हैं सर। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं सर, किसी तरह से हमारा चैनल वापस आ जाए सर, यही से आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। प्लीज़ सर
आप मतलब अगर आप देखिएगा या सुनिएगा तो प्लीज हम लोगों की हेल्प करना, हम आप लोगों की हेल्प जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं उस चैनल के लिए और हम इस समय बहुत ज्यादा मतलब दुख है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी किसी ने हमारे चैनल को हैक कर लिया है, जो कि आज तक हम कभी सोचे नहीं थे ऐसा भी कुछ हो सकता है। बस सर आप हमारी हेल्प जरूर करें। ऋषि जी आप भी आइए, बात कर देखते, थोड़ा सा बोलिए। हाँ सर, हम लोग उस चैनल की बहुत मेहनत किए थे, इतना मेहनत किए थे कि हम बता नहीं सकते, और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारा चैनल अगर वापस आ जाता है तो अच्छा रहेगा। बस आप लोग हम लोगों का सपोर्ट कीजिए, हम लोग उस चैनल का बहुत मेहनत किए थे। सर मेरे चैनल का नाम था PSY फिल्म प्रोडक्शन। सर हम बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे उस पर, इतना मेहनत किए थे कि सर इतनी तकलीफ़ हो रही है कि हम क्या बताएं। सर समझ लीजिए कि बैठे बैठे हम लोग इतना इतना परेशान हैं, कहीं आने जाने का नहीं मन कर रहा है सर, भूख प्यास सब मर गई है एकदम, समझ लीजिए उस चैनल को लेकर के। बस प्लीज़ सर किसी तरह से हमारा चैनल वापस आ जाए सर, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, आप मेरी मदद करिए सर। सर बहुत बहुत आभारी रहूँगा सर, बहुत आभारी रहूँगा, थैंक यू। अब बात करता हूँ मैं इसको रिकवर करने की, तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इसको रिकवर कैसे किया जाता है, क्योंकि मुझे जो है इस चीज़ का एक्सपीरियंस है और मैंने इन भाई का जो है चैनल हैक जो हुआ था उसको रिकवर किया है। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आपका चैनल हैक हो जाता है तो आप किस तरीके से अपना चैनल रिकवर कर सकते हैं, किस तरीके से यूट्यूब टीम से बात कर सकते हैं, ट्विटर पर क्या करना होता है, ये जो काम होता है, काम करने का प्रोसेस होता है, इन सब की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस, जब मैंने इनके चैनल को यहाँ पर सर्च किया PSY फिल्म प्रोडक्शन, तो हैकर द्वारा जो है इनके चैनल पर यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव कर दिया गया था। सबसे पहले यहाँ पर इनके लोगो और बैनर को भी चेंज कर दिया गया था, और यहाँ पर हैकर ने जो है इनके चैनल पर दो वीडियो भी अपलोड कर दिए गए थे। तो यहाँ पर बहुत सारे हैकर जो है यहाँ पर वीडियो को डिलीट भी कर सकते हैं, चैनल को डिलीट भी कर सकते हैं, हो सकता है आपका चैनल जो है वो सर्च करने पर भी ना आए। तो यहाँ पर देखिए जो उसने ये वीडियोज़ अपलोड किए थे, तो यहाँ पर कुछ वीडियोज़ ऐसे होते हैं जो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होते हैं। तो वहां पर होता क्या है, जो आपका चैनल होता है उस पे कम्युनिटी गाइडलाइंस की एक स्ट्राइक आ जाती है। तो अब यहां पर देखिए गाइस, जब मैंने इनके चैनल की पूरी सेटिंग कर दी, तो यहां पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर जो हमारा यूट्यूब है और यहां पर जब मैं सर्च करता हूं तो ये इनका चैनल है PSY फिल्म प्रोडक्शन। तो यहां पर जब मैं क्लिक कर देता हूं तो यहां पर देखिए जो पहले इनका जो ये चैनल था, यहां पर इसमें बहुत कुछ बदलाव कर दिया गया था, और यहां पर देखिए जो यहां पर ये जो इनका बैनर था इसको यहाँ पर चेंज कर दिया गया था। तो यहाँ पर मैंने जो है इनका बैनर भी बना दिया है, देखिए यहाँ पर जो है PSY फिल्म प्रोडक्शन, यहाँ पर फेसबुक और कॉमेडी ड्रामा, यहाँ पर ये लोगो वगैरह मैंने बिल्कुल उनका ओके तैयार कर दिया है, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर भी मैंने इनका ये जो लोगो था ये भी तैयार कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये अभी आज का ही वीडियो है, यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं यहाँ पर साइड में, यहाँ पर देखिए आज तारीख है 14 जुलाई 2022, और अभी जो टाइम हुआ है वो है तकरीबन 9 बजने को, और यहाँ पर जो इन्हें अपने चैनल पर ये वीडियो डाला है यहाँ पर 14 जुलाई को देख सकते हैं 80 व्यूज़ इस पर आ चुके हैं, और यहाँ पर ये 130,000 इनके जो है टोटल सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा नाम भी लिखा हुआ है बिंदर कौशल सर की मदद से, हमारा जो हैक चैनल है वो वापस मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूँ जो ये इनका यहाँ पर लिखा हुआ है, और ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने जो है मेरा यहाँ पर ये जो दोनों चैनल हैं इनका लिंक भी यहाँ पर दे दिया, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए जो मेरा मेन चैनल है योर बाइक मैकेनिक, और नीचे यहाँ पर जो मेरा दूसरा चैनल है बिंदर कौशल व्लॉग। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है इनके चैनल पर यहाँ पर कमेंट भी कर दिया था, और इन भाइयों ने जो है मेरा चैनल पर ये कमेंट जो है पिन कर दिया है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है वेलकम बैक आफ्टर हैक, PSY फिल्म प्रोडक्शन की सभी टीम को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, योर बाइक मैकेनिक बिलासपुर हरियाणा। तो ये मैंने यहाँ पर जो है इनके इस पर कमेंट किया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो इनका चैनल ये वापस आ चुका है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको रिकवर कर दिया है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर अगर चैनल आपका हैक हो जाता है किस तरीके से हम इसको रिकवर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देख लेना, अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर कॉमेडी वगैरह देखते हैं तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर जो इनका चैनल है PSY फिल्म प्रोडक्शन, तो आप इस वीडियो को देख लेना जो इन्होंने जो है अपने चैनल पर ये डाला हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो इनकी मदद की है, आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों अगर आप लोगों का यहाँ पर कोई सवाल जवाब हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।